अथ द्वाविंशोध्याय शिव नैवेद्य भक्षण का निर्णय एवं बिल्व पत्र का महात्म्य ऋषय उचु सा पानी सा रे मामा मा रे पामा रे सा दीनी नी सा पानी सा रे मामा मा रे पामा रे सा पापा नी नी सा नी पामा पानी मा पानी सा रे रे मारे नी रे सा नी सा नी सा नी नी पानी नी पानी नी पापा मा पापा रे मा पामा रे मा रे सा अग्रायं शिव नैवेद्य विधि पूर्वं श्रुतं वचः ब्रूहितन्निर्णयं बिल्व महात्म्यमपि सन्मुने। ऋषिगण बोले, हे महामुने, हमने पहले सुना है कि भगवान शिव को अर्पित किया गया नैवेद्य अग्राह्य होता है, अतः नैवेद्य के विषय में निर्णय और बिल्व पत्र का महत्व भी कहिए। सूत उवाच। शृणुत्वं मुनयः सर्वे सावधानतया अधुना सर्वं वदन् संप्रीत्य अन्यायोऽयं शिवव्रतः। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब आप सब सावधानी से सुने। मैं प्रेम पूर्वक सब कुछ कह रहा हूँ। आप लोग शिवव्रत धारण करने वाले हैं, अतः आप लोग धन्य हैं। शिव भक्त शुचि शुद्ध सद्व्रति दृढ़ निश्चय भक्षये शिव नैवेद्यं त्यजेत् गृहे पावनाम्। जो शिव का भक्त पवित्र शुद्ध और सद्वती और दृढ़निश्चयी है, उसे शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए और अग्राह्य भावना का त्याग कर देना चाहिए। विश्वापि शिव नैवेद्य जानति पापानि दूरतः भुक्तये तु शिव नैवेद्य पुण्यान्यायान्ति कोटिशः। शिव नैवेद्य के देखने मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं और शिव का नैवेद्य भक्षण करने से तो करोड़ों पुण्य स्वतः आ जाते हैं। अलम याग सहस्रेण अलम याग्यर्बुदरपि भक्षिते शिव नैवेद्य शिव सायुजमाप्नुया। हजार यज्ञों की बात कौन कहे, अर्बुद यज्ञ करने से भी वह पुण्य प्राप्त नहीं होता तो शिव नैवेद्य खाने से प्राप्त होता है। शिव का नैवेद्य खाने से तो शिव सायुज की प्राप्ति हो जाती है। यद् गृहे शिव नैवेद्य प्रचारोपि प्रजायते गृहं पवनं सर्वमन्य पावन कारणम्। जिस घर में शिव को नैवेद्य लगाया जाता है और अन्यत्र से शिव को समर्पित नैवेद्य प्रसाद रूप में आ जाता है, वह घर पवित्र हो जाता है और वह अन्य को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। आगतम शिव नैवेद्यं गृहीत्वा शिरसा मुदा भक्षणीयं प्रयत्नेन शिव स्मरण पूर्वकम्। आए हुए शिव नैवेद्य को प्रसन्नता पूर्वक सिर्फ झुकाकर ग्रहण करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसे खा लेना चाहिए। आगतम शिव नैवेद्य मन्यता ग्रह मित्रपि विलंबे पाप संबंधो भवते वही मानव। आए हुए शिव नैवेद्य को दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, ऐसी भावना करके जो मनुष्य उसे ग्रहण करने में विलंब करता है, उसे पाप लगता है। नयस्य शिव नैवेद्य ग्रहण इच्छा प्रजायते सपापिष्ठ गरिष्ठ स्यात् नरकं यद्यपि ध्रुवम्। जिसमें शिव नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती वह महान पापी होता है और निश्चित रूप से नरक को जाता है। हृदय चंद्रकांते च स्वर्ण रूप्यादि निर्मिते शिव दीक्षावता भक्ते निदं भक्षमितीर्यते। हृदय में अवस्थित शिवलिंग या चंद्रकांत मणि से बने हुए शिवलिंग अथवा स्वर्ण या चांदी से बनाए गए शिवलिंग को समर्पित किया गया नैवेद्य शिव की दीक्षा के लिए भक्त को खाना ही चाहिए, ऐसा कहा गया है। शिव दीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसाद संघकम् सर्वेषामपि लिंगानां नैवेद्यं भक्षये शुभम्। इतना ही नहीं, शिव दीक्षित भक्त समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित महाप्रसाद रूप शुभ शिव नैवेद्य को खा सकता है। अन्य दीक्षा युजाम निर्णय शिव भक्ति प्रतत्मनाम ऋणोत्वम निर्णयम प्रीत्या शिव नैवेद्य भक्षणे। जिन मनुष्य ने अन्य देवों की दीक्षा ली है और शिव की भक्ति में वे अनुरक्त रहते हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य के भक्षण के विषय में निर्णय को प्रेम पूर्वक आप सब सुने। शालग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे कथा द्विजः
पाषाणे राजते स्वर्णे सुर सिद्ध प्रतिष्ठिते काश्मीरे स्फटिके रात्ने ज्योतिर्लिंगे सुसर्वशः चंद्रायाण समं प्रोक्तं तंबोर्ने वेद भक्षणम्। हे ब्राह्मणों, शालग्राम में उत्पन्न शिवलिंग, रसलिंग, पारदलिंग, पाषाण लिंग, रजत लिंग, स्वर्णलिंग, देवों और सिद्ध मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, केसर के बने हुए लिंग, स्फटिक लिंग, रत्नलिंग और ज्योतिर्लिंग आदि समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण करना चंद्रायन व्रत के समान फल देने वाला कहा गया है। यदि ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र होकर शिव का पवित्र निर्माल्य धारण करता है और उसे खाता है, उसे संपूर्ण पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चंडाधिकारो यत्रास्ति तद्भोक्तव्यं न मानवः, चंडाधिकारो यत्र भोक्तव्यं तच भक्तितः। जहाँ चंड का अधिकार हो वहाँ शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्य को नहीं करना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार ना हो वहाँ भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंग चलो हे सिद्धे लिंग स्वयं भुवि प्रतिमासु च सर्वासु न चंडोधिकृत भवे। बाणलिंग, लौहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग और अन्य समस्त प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता है। स्नान पयित्वा विधाने ज्योलिंग स्नान पनुदकम जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान जल को तीन बार पीता है उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अग्रायम शिव नैवेद्य पत्रम पुष्पम फलम जलम शालग्राम शिला संगर सर्वम याति पवित्रताम। चंड के द्वारा अधिकृत होने के कारण अग्राह्य शिव नैवेद्य पत्र पुष्प फल और जल यह सब शालग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र हो जाता है। लिंगो परिचय द्रव्यम तदग्राह्यम मुनीश्वरः सुपवित्रम च तज्ञेयम् जलिंग स्पर्श बाह्यतः। हे मुनीश्वर, शिवलिंग के ऊपर जो भी द्रव्य चढ़ाया जाता है वह अग्राह्य है और जो उस लिंग के स्पर्श के बाहर है उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। नैवेद्य निर्णय प्रोक्त इथं वो मुनि सक्तमः शृणु त्वं देव महात्म्यं सावधानतया दरात्। हे मुनि श्रेष्ठों, इस प्रकार मैंने शिव नैवेद्य का निर्णय कह दिया, अब आप सब सावधानी से बिल्वपत्र के महत्व को आदर पूर्वक सुने। महादेव स्वरूपोऽयं बिल्वो देवरपि सुतः यथा काश्चिन्ते तस्य महिमा ज्ञायते कथम्। बिल्व वृक्ष तो महादेव स्वरूप है और देवों के द्वारा भी इसकी स्तुति की गई है, अतः जिस किसी प्रकार से उसकी महिमा को कैसे जाना जा सकता है। पुण्य तीर्थन यावन्ति लोकेषु प्रथितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्व मूले वसन्ति। संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब तीर्थ बिल्व के मूल में निवास करते हैं। बिल्व मूले महादेव लिंग रूपिण माव्ययम् यह पूजयाति पुण्यात्मा स शिवम् प्राप्नुयात् ध्रुवम्। जो पुण्यात्मा बिल्व वृक्ष के मूल में लिंग रूपी अव्यय भगवान महादेव की पूजा करता है वह निश्चित रूप से शिव को प्राप्त कर लेता है। बिल्व मूले जलैर्यस्तु मूर्धानाम् अभिषिञ्चति ससर्व तीर्थ स्नातः स्यात् स एव भूमि पावन। जो प्राणी बिल्व वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है वह समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर पृथ्वी पर पवित्र हो जाता है। इतस्य बिल्व मूलस्य थालं वालं मनुत्तमं जलाकूलं महादेव विश्वातुष्टो भवत्यलम्। इस बिल्व वृक्ष के मूल में बने हुए उत्तम थाले को जल से परिपूर्ण देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पूजयेत् बिल्व मूलम् यो गंध पुष्पादिभिर्नरः शिवालोकम् वाप्नोति संतति वर्धते सुखम्। जो व्यक्ति गंध पुष्पादि से बिल्व वृक्ष के मूल का पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त कर लेता है और उसके संतान और सुख की अभिवृद्धि होती है। बिल्व मूले दीपमालाम् यः कल्पयति सादरम् सतत्व ज्ञान संपन्न महेशान्तर्गतो भवेत्। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल में आदर पूर्वक दीपमाला का दान करता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न होकर महादेव के सानिध्य को प्राप्त हो जाता है। बिल्व शाखं समादाय हस्तेन नव पल्लवं गृहीत्वा पूजयेत् बिल्व स च पापः प्रमुच्यते।
जो बिल्व शाखा को हाथ से पकड़कर उसके नवपल्लव को ग्रहण करके बिल्व की पूजा करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बिल्व मूले शिवार्थम पूजये दस्त भक्तितः एकं वा कोटि गुणितम् तस्य पुण्यम् प्रजयते। जो पुरुष भक्ति पूर्वक बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिव भक्त को भोजन कराता है उसे करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। बिल्व मूले चीर युक्त मन वाचन संयुतम यो दध्यक्ष वाताय सदरिद्रुन जायते। जो बिल्व वृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त अन्न शिव भक्त को प्रदान करता है वह दरिद्र नहीं रह जाता है। अंगोपांग मिति प्रोक्तम शिवलिंग प्रपूजनम प्रवृत्तानम निवृत्तानम वेदतो द्विविधम द्विजः। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग के पूजन विधान को कह दिया है। इसमें भी प्रवृत्तों और निवृत्तों के लिए दो भेद हैं। प्रवृत्तानां पीठ पूजा सर्वाभीष्ट प्रदा भुवि पात्रेणैव प्रवृत्तास्तु सर्व पूजां समाचरे। प्रवृत्ति मार्गियों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष को चाहिए कि सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे। नैवेद्यम अभिषेकान्ते चालनेन समाचरे पूजान्ते स्थापये लिंगम पुटे शुद्धे पृथग्गृहे पर पूजा निवृत्तानां स्वभोजं तु निवेदयेत् निवृत्तानां परम सूक्ष्म लिंगमेव विशिष्यते विभूत्यर्वचनं कुर्य विभूतिं च निवेदयेत् पूजां कृत्वा तथा लिंगं शिरसाधरयेत् सदा। शिवलिंग का अभिषेक करने के पश्चात अग्नि अन्न से नैवेद्य लगाना चाहिए। पूजा के अंत में उस शिवलिंग को किसी शुद्ध पुट में रख देना चाहिए तथा किसी दूसरे शुद्ध घर में स्थापित कर लेना चाहिए। निवृत्त मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में अर्पित करना चाहिए। निवृत्त मार्गियों के लिए व्रत पर सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। उन्हें चाहिए कि विभूति से ही पूजा करें और विभूति का ही नैवेद्य शिव को प्रदान करें। पूजा करने के पश्चात इस विभूति स्वरूप लिंग को सिर पर सदा धारण करना चाहिए। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्वेश संहितायाम साध्य साधन खंडे शिव नैवेद्य वर्णनम नाम द्वाविंशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश संहिता के साधन साध्य खंड में शिव नैवेद्य वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।